व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम वापस से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं गोल्ड फार्म। बहुत ही सफिशियंट और अच्छा गोल्ड फार्म है ये माइनक्राफ्ट पी वर्जन के लिए, और बेडरॉक जावा सब वर्जन में काम करता है। बहुत ईजी गोल्ड फार्म है और इतना सामान तो आपके पास ईजिली होता है। तो मेरे पास जितना भी सामान मैंने आपको शिलकर में दिखाया वो लेके चलो, और कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी है मेरे को। तो मैं अपने स्टोन फार्म में कोने वाले लैंड पे सिलेक्ट करते थे, और स्टोन फार्म तो अपना बखूबी काम निभा रहा है, पर TNT थोड़े ख़त्म हो गए तो उसकी दिक्कत हो गई है। उसको भी अभी हम रिफ़िल करवा देंगे। और ये देखो बहुत स्टोन है अभी मेरे पास, मतलब हर चेस्ट नहीं भरी है लेकिन इतना है, 10 से 15 स्टैक स्टोन मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे ये जगह सही लग रही है बनाने के लिए, तो सबसे पहले काम करते हैं यहाँ से थोड़ा सा एरिया को प्लेन करते हैं। और आपके पास ऑब्सीडियन अच्छा खासा होना चाहिए इस बिल्ड को बनाने के लिए। मैंने 9x9 का पोर्टल फ्रेम बनाया ताकि अच्छा काम करें, लेकिन अगर किसी पे ऑब्सीडियन की कमी है तो आप 7x7 का भी बना सकते हैं, ये अच्छा काम उसमें भी करेगा, लेकिन बस थोड़ा सा स्लो होगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे मैंने 9x9 का एक पोर्टल फ्रेम बनाना है। तो सबसे पहले मैं पोर्टल फ्रेम रेडी करता हूँ और फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो आपके पोर्टल फ्रेम रेडी होने के बाद आपको चेक करना है कि आपके वर्ल्ड में पिगलिन किस डायरेक्शन में स्पॉन होते हैं, और अगर आप उसे चेक करें बिना फार्म बना दोगे, और अगर वो दूसरी जगह स्पॉन होने लग गए तो आपको ये सारी मेहनत बर्बाद। तो आपको उसे चेक करने के लिए एक सिंपल सा बिल्ड बनाना है स्टोन का। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे स्मूथ स्टोन प्लेस कर देने हैं, और उसके बाद आपको ऐसे ऑब्जर्वर नहीं प्लेस करना है। ये मेरे से गलती से हुआ था, और ऐसे भी नहीं, ये जैसे जो पोर्टल फ्रेम का ब्लॉक है उसके एक आगे आपको वो करना है, लेकिन ऐसे भी चल जाओ, कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब भी ऐसे अच्छा नहीं लगा था तो मैंने हटा दिया था, मैंने इसे आगे कर दिया था। तो सबसे पहले आपको ऐसे करके एक बिल्ड बनाना है, एक ऑब्जर्वर लगाना है आपको प्लेस करना है, जिसका डायरेक्शन एक एरो अपोजिट साइड में और दूसरे एरो दूसरी साइड में, मतलब ऐसे करके आपको बनाना है। उसके आगे एक ब्लॉक प्लेस करके आप डिस्पेंसर प्लेस कर देना, और आपको पीछे के ब्लॉक्स को जिस हिसाब से मैं ढक रहा हूँ उसी उससे ढकना है। और आप चेक कर लेना कि आपके वर्ल्ड में जो एरो हैं वो ऐसी हो जैसे मेरे वर्ल्ड में है, तो आपको इजीली ये बनाना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैप डोर प्लेस करके लावा बकेट डाल देनी है, और डिस्पेंसर के अंदर वाटर बकेट डाल देनी है। तो जल्दी से इस बिल्ड को जितना है मैं चेक करने की कंप्लीट करता हूँ। तो मेरा ये कंप्लीट है, और मैं बस वेट कर रहा था कि एक पिगलिन स्पॉन हो वो किधर हो, और मेरे को दिख गया वो एक मशीन के अंदर स्पॉन हो गए हैं। और ये वाला स्पॉन होने के चक्कर से देखो जैसे मेरे वर्ल्ड में स्पॉन इस तरफ हुए हैं, तो मेरी मशीन उल्टी बन गई थी। तो मेरे को अभी ये मशीन को दूसरी डायरेक्शन में प्लेस करना है, और नॉर्मली एक छोटा सा होल करके उससे नीचे इन्हें किलिंग चैम्बर के लिए भेज देना है। बहुत सिंपल फार्म है। और आज की वीडियो में मैं बताना ही भूल गया कि आज हम एक ब्रिज भी बनाने वाले मेरे वर्ल्ड में, क्योंकि मेरे एक फार्म वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया कहता हूँ जिसे मैं, वहाँ से लेके मेन सिटी तक का एक ब्रिज बनाना है। उसके बीच में लेक पड़ता है, और कभी कभी मेरे भी लाइटर नहीं होता तो मेरे को पूरा तैर के जाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक ब्रिज बनाऊँगा। तो आपको सिंपली ये मतलब किलिंग चैम्बर बनाने के बाद दूसरी तरफ मशीन बनाने के बाद आगे ब्लॉक प्लेस कर देने, और यहाँ से 23 ब्लॉक डाउन जाना है किलिंग चैम्बर के लिए। 23 ब्लॉक डाउन जाके आपको वहाँ पे एक स्मेल्टिंग रूम भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, और अगर आपको इन्हें ऑटोमेटिकली माना तो वहाँ से स्मेल्टिंग रूम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा उसके वो मिलेंगे नगेट्स, लेकिन उसमें स्वर्ड वगैरह और एक्सपी वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगी। तो आप सबसे पहले यहाँ बना लियो, मैंने सब रेडी कर दिया यहाँ पे, इतना वो करने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक नॉर्मली ऊपर वो लगा दिया 23 ब्लॉक्स पे हॉपर, और मैंने नीचे लाकर एक छोटा सा स्मेल्टिंग रूम भी बना दिया। ये मेरा फर्नेस है जिसमें मैं एक नॉर्मल फ्यूल डाल दूंगा, और बाकी मेरी चेस्ट वगैरह इसे इधर ही है। और अब मेरे को इसके बाद बनाने की जरूरत पड़ेगी एक सॉर्टर सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो फर्नेस है उसमें आके रॉटन फ्लैश अटक ही जा रहा था। बाबा मेरे को समझ भी नहीं आता फर्नेस उसे अंदर ही क्यों ले रहा था, अब वो बाबा उसमें आकर टक रहा, उसके चक्कर से मेरा फार्म बाबा रुक जाता है। तो उसका मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, आगे मैं सॉर्टर बना लूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे लैडर वगैरह बना देता हूँ इसमें, और यहाँ पे लाके नॉर्मली प्लेस कर देता हूँ ताकि मेरे को पता रहे कि मेरे नीचे स्मेल्ट हो रहे हैं नहीं। और मैंने 23 ब्लॉक एक पीछे से भी होल कर दिया जैसे मैं ऊपर जा सकूँ। और अब बारी है इस फॉर्म को स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले बीच में एक लावा बकेट डाल देनी है इसमें, और इसमें डाल देनी है आपको एक वाटर बकेट जो नॉर्मली फॉर्म है। और 2-3 मिनट में अपना पोर्टल ऑन होके जैसे ही आपका लावा स्प्रेड होगा ये पोर्टल अपना काम करना चालू कर देगा, और उसके बाद मॉब्स आने भी चालू हो जाएंगे।
तो मेरा फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो, मैंने यहाँ पे एक वाटर भी डाल दी जिससे वो नीचे जाई जा रहे हैं पिगलिंग, 23 ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं। और जस्ट नॉर्मल चैम्बर था, किलिंग चैम्बर तो मैं दिखाया नहीं, पहले मैं सोचा था और सुबह उठ के मैं चेक करना जाऊँगा नीचे फार्म को। तो मैंने एक जस्ट यहाँ से एक वो बना लिया वाटर का और वहाँ पे ओकस आएंगे, और इधर से मेरा सीधा है नीचे एक ट्रैप डोर जो सीधा जाता है और वाटर का, और मेरे पास थोड़ा ट्राइडेंट है तो हम ईजिली चल सकते हो। और यहाँ पे आप आराम से पिगलिंग्स को मार के एक्सपी भी इकट्ठी कर सकते हो, और जो आपका गोल्ड वगैरह सारा आपकी यहाँ से नीचे जस्ट में जाता रहेगा। और अगर आपको इसको ऑटोमेटिक बनाना है तो आप इसे 30 ब्लॉक डाउन करना, ऑटोमेटिक बनाने के लिए 30 ब्लॉक डाउन पे ही आपको पिगलिन मारेगा, उसके ऊपर मारेगा नहीं, पिगलिन हल्का सा छुई रह जाएगा लेकिन तब भी आप 30 ब्लॉक डाउन लेके चलने से उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ मैं यहाँ पे एक मिनट एफ के रहा और एक मिनट के अंदर यहाँ पे सिर्फ गोल्ड ब्लॉक्स आ, मतलब सिर्फ गोल्ड इंगट्स आ गए, जो फार्म मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये मेरा बिल्ड अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अब मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे ब्रिज, और अब मैं दिखाने वाला हूँ मैं कहाँ पे ब्रिज बनाने वाला हूँ। ये मेरे मैं पहले सारे सामान इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद ब्रिज बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मेरा जो ये मैंने घर बनाया हुआ है ना पानी के बीचों बीच, इसके दूसरी तरफ एक लैंड और उसके उस तरफ एक लैंड है, तो दोनों लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने बनाना है ब्रिज। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जाने वाला अपने आयरन फार्म पे, क्योंकि मैं जो पिछली वीडियो में आयरन फार्म बनाया था मेरे को चेक करना था कि चल भी रहा है वो, उसमें आयरन भी इकट्ठे हो रहे हैं या मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है। तो मेरा आयरन फार्म मेरे नैदर के नैदर बिल्ड के एकदम जस्ट पीछे था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा और सबसे पहले अंदर चल के चेक करते हैं भैया हमारा आयरन आ भी रहा है या सारी हमारी मेहनत जो होती है हमारी बर्बाद हो गई है। तो भाई हमारा आयरन आ रहा है और पॉपी भी अभी आ रहा है, और जस्ट अभी मेरे को लग रहा है गोला वगैरह मरा है यहाँ पे, और गोला वगैरह यहाँ मरते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सामान धीरे धीरे जाता है मेरा क्योंकि हॉपर्स में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है फंस रहा है, तो मेरे को इसे भी फिक्स करना है, इसे मैं कर दूंगा। और जस्ट इसके बाद मेरा गेम हो जाता है लैग अच्छी तरह से, मतलब होना चालू हो जाता है मेरा फ़ोन लैग, और इसके बाद मैं निकल जाता हूँ एक एडवेंचर पे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, बहुत सारी बूट्स इकट्ठी करूँगा और सारी जितनी भी बूट्स मेरे को ब्रिज के लिए चाहिए होगी वो सारी इकट्ठी करके लास्ट में मिलता हूँ मैं आपसे। तरह की बूट इकट्ठी करके अपने घर पे आ गया हूँ, और मैं घर पे आते ही देखता हूँ कि ये जो ये सस्ता मैंने ब्रिज जैसा कुछ बनाया हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, सबसे पहले इसे यहाँ से हटाते हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं वो काम करके आ गया, और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जितना भी मेरे को ब्रिज के लिए सामान चाहिएगा एक नॉर्मल स्टेट्स वगैरह मैं सब यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट हर तरह का मेरे पास वुड है, मैं हर तरह का वुड कनेक्ट करके आया था। और अब मैं यहाँ पे सीधा ब्रिज बनाना स्टार्ट करता हूँ, मेरे मन में कोई डिज़ाइन नहीं था, मैं बस अपनी इमेजिनेशन से जो मेरे को अच्छा लग रहा था वो मैं बना रहा था। तो पूरा का पूरा ब्रिज बनाने के बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से लास्ट में। तो बड़ी देर की मेहनत के बाद मेरा ब्रिज रेडी हो गया, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लाइट्स वगैरह लगाए, तो लाइट्स वगैरह लगा के आपको रात में दिखाते हैं उसका व्यू। तो मेरा ब्रिज हो गया एकदम रेडी, सस्ता ब्रिज है, इतना वो नहीं है, इतना कोई अच्छा नहीं है, एकदम क्रेजी वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वीडियो को बढ़ाने के लिए मैंने ब्रिज बनाया था। तो मेरे को पता है वीडियो बहुत छोटी हो जाती है अगर मैं वे नहीं बनाता, तो ये बाकी ये छोटा सा मैंने एक ब्रिज बनाया और धीरे धीरे मैं इस वर्ल्ड को और ब्यूटीफुल करने वाला हूँ। तो होप आज की वीडियो के लिए आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो के लिए इतनी, अगर आपको पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और अगर आपको ये ब्रिज पसंद आया हो तो आप इसको अपने वर्ल्ड में बना सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल भी मैं डालूंगा अगर आपको पसंद आए तो, कमेंट में बता देना डालूँ या नहीं, वैसे मुझे अच्छा ही लगा तो मैंने नहीं डाला। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।